हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑफ लिटिल मास्टर पब्लिक स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर नंबर 10 ऑफ मैथ सब्जेक्ट फॉर द क्लास फिफ्थ, विच इज टेंथ एंड हंड्रेड। ओके, आपने वंस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड ये सब समझा होगा, लेकिन टेंथ और हंड्रेड क्या होता है? तो देखो, ये जो वन टेन होता है ये तो टेन होता है, लेकिन अगर हम इसी को 1/10 लिखते हैं तो ये होता है टेंस। 1/10 इज इक्वल टू टेंस, और हंड्रेड तो 1/100 को क्या हम रीड करेंगे, 100। ओके, 1/100 होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, हंड्रेड। ओके, तो इस तरह के फॉर्मेशन को हम टेंस और फोर हंड्रेड रीड करते हैं। इस चैप्टर में हमें मेजरमेंट्स को रीड करना है, कैसे, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये एक्टिविटी है, आपने स्केल में देखा ही होगा कि कितने सेंटीमीटर की, तो 15 सेंटीमीटर की होती है। 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, और जिस जो सेंटर में छोटी छोटी लाइन होती है वो सेंटीमीटर से भी छोटा मेजरमेंट बताते हैं। ओके, तो स्केल के थ्रू आप लोगों ने बहुत सारी चीजें मेजर की होगी। नेक्स्ट क्या है, लेंथ ऑफ द नेल, मतलब नेल कील जो होती है उसकी लेंथ आप स्केल्स के थ्रू कर सकते हो। फिर ऐसे बहुत सी चीज आप मेजरमेंट कर सकते हो। ओके, तो मेन टॉपिक पर आते हैं हम, इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर। यहाँ पे देखिए क्या है, आपको पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, यू नो। तो जब हम पैसे को रुपीस में डिवाइड करते हैं, सॉरी कन्वर्ट करते हैं, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो रुपीस 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैसे में बताना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 0 से ये 50, मतलब 50 पैसे। ओके, अब रुपये में बताना है, तो मैंने अभी कहा कि रुपये में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ये 0 से ये 0 कट, बचा 0.5 इस तरह। ठीक है, मतलब कि रुपीस से अगर पैसे में, किसमें, रुपीस टू पैसे जाना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, नाउ उल्टा इसका रिवर्स हो जाएगा, अगर पैसे टू रुपीस जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। अंडरस्टैंड, तो इसी दोनों मेथड के थ्रू ये सॉल्व किए गए हैं। जिस तरह 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई किया और पैसे आ गए, वैसे ही 1/10 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 10 पैसे आ जाएंगे। अगर वही 10 पैसे को मैं 100 से डिवाइड करती हूँ तो 0.1 रुपये आ जाएंगे। ओके, नाउ ये देखो, ये ग्राफ है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमें पता होना चाहिए कि जिस तरह 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, ये सब नॉलेज के लिए आपको याद रखना होगा। तो जब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं, जिस तरह यहाँ हम 100 से पैसे में जाते थे तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरह यहाँ मीटर से हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे देखो, ये एक चार्ट दिया गया है, चार्ट में पूछा गया है क्वेश्चन क्या है, हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में विनर कौन है, तो सबसे ज्यादा जिसने जंप की होगी वो विनर होगा। तो सबसे ज्यादा कौन है, 4.50 मीटर, किसका है, रेहाना का। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे रेहाना विन हो गई, जीत गई। नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो अगर हमें सेंटीमीटर से कन्वर्ट करना है, मीटर टू सेंटीमीटर जाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब वही अगर सेंटीमीटर टू मीटर जाना है तो हम करेंगे डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे देखो कन्वर्जन दिया है, क्या है, 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे हमें किसमें चेंज करना है, मीटर में, तो हम मीटर को तो मीटर ही रहने देंगे, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 45 सेंटीमीटर को बदलना है। ओके, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। इसी तरह 45 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 45/100
मीटर, तो हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.45। यहाँ पे देखो नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, इसलिए 2 नंबर्स के पहले का लग जाएगा 0। बैक पीछे से आपको काउंट करनी है, ओके, पीछे से 1 2 के बाद 0, तो 0.45 मीटर। तो 3 मीटर एंड ऐड करना है 0.45 मीटर, ओके। मीटर जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं तो यूनिट्स सेम होने चाहिए, विदाउट यूनिट सेम की आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं नहीं हो। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कुछ नहीं तो आप 0 रख सकते हो, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना कंपलसरी है। अगर पॉइंट के आगे कोई नंबर नहीं तो आप 0 पुट कर सकते हो, अगर पीछे भी कोई नंबर है तो 0 पुट कर सकते हो। तो 5 प्लस 3 8, 0 प्लस 4 4 पॉइंट, और ये क्या आएगा 0, ओके। सॉरी यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, इस तरह नहीं होगा। क्या था यहाँ पे, 3 मीटर था, मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो उसे हमें 3 मीटर को मीटर में ही रहने देना है, हमें मीटर ऐड करना है, सिर्फ ऐड करना है, ओके। तो हम क्या करेंगे, 0.45, ओके। अब यहाँ इसके पीछे कुछ नहीं है तो हम 00 रख देंगे, क्यों 00, क्योंकि डबल डिजिट है, तो हम ऐड कर लेंगे, तो 5 4 और ये 3, ओके। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था कि इसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो चीज मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। ये चीज करना क्या, मीटर को मीटर है तो मीटर ही रहने देना, सेंटीमीटर बदलना है, तो 3 मीटर और 0.45 मीटर हो जाएगा, तो ऐड दोनों मीटर मीटर हो गए, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3.45 मीटर, ओके। इसी तरह आप बाकी के सम्स कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि कोरिया का जो मनी है वो वॉन है, लेकिन हमारे इंडियन रुपीज के हिसाब से उसकी वैल्यू 0.04 है। श्रीलंका का रुपी मतलब जो मनी है वो रुपी है, और उसका यहाँ पे वैल्यू है 1 रुपीज के कंपेयरिंग में, ओके, 0.37 है। नेपाल में रुपी है तो 0.63, ओके, ये डाटा रीड कर लेना है, और उसी तरह बताना है कि द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट ऑफ मोस्ट इन इंडियन रुपी, मतलब इंडियन रुपी में सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका है, तो किसका है यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, 5 10 77.76, मतलब किसका है, इंग्लैंड का, ओके। मतलब जो अगर यहाँ पे हम रुपीज यूज करते हैं तो वहाँ पे डॉलर पाउंड यूज करते हैं, तो वो उसकी कॉस्ट यहाँ इंडिया में, मतलब इंडिया का जो इंडियन रुपी का कॉस्ट है वो हमारे वहाँ पे ज्यादा है, ओके। नेक्स्ट, ये सब सम्स उसी के ऊपर है, वो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये क्या है, ये हमारा इंडिया का मैप है, जो कि बताया गया है श्रीनगर 8.1 डिग्री सेल्सियस पर है, जयपुर 23.2 डिग्री सेल्सियस पर है, फिर मुंबई में कितना टेम्परेचर है तो 35.1 डिग्री सेल्सियस, भोपाल 25.9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बोला है विच प्लेस हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर एट 3 PM, मतलब 3 PM मतलब 3 बजे कितना टेम्परेचर है, सबसे ज्यादा किधर है, तो किधर है, देखो ये 33, 35 and 8.1, 24 and 20, ये 35, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ है, मुंबई में, कितने बजे, 3 बजे। विच प्लेस इज द कोल्डेस्ट, कूलेस्ट, सबसे कूलेस्ट कौन है, तो सबसे कूलेस्ट देखो 8.1, सबसे कम टेम्परेचर है, मतलब श्रीनगर कूलेस्ट है। हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन मुंबई फ्रॉम द श्रीनगर, श्रीनगर कहाँ है, श्रीनगर 8 point, मतलब क्या यहाँ पे हाउ मच पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 35.1 एंड 8.1, 0 15 में से 8 कट, तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे 2, मतलब 27 का डिफरेंस है, 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। सेम इसी तरह जो ये डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं, और यहाँ पे हो जाता है आपका चैप्टर फिनिश, ओके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।